रुक करते हैं विस्तार से गतिविधि की ओर। हमीरपुर में 23 मई को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 11 प्रत्याशियों के भाग्य के फैसले के लिए सभी इंतजार कर रहे हैं। हमीरपुर सीनियर सेकेंडरी बाल स्कूल में परिसर में ईवीएम और वीवीपैट को कड़े सुरक्षा के पहरे में रखा गया है। लोकसभा चुनावों के लिए मतगणना 23 मई को हमीरपुर में बॉयज स्कूल में होना तय है। यहाँ पे आपको दिखा दें कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज स्कूल में यहाँ पे पूरी तरह स्ट्रांग रूम रखे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पूरी तरह से चाक चौबंद है और 3 लेयर सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे की गई है। आप देख रहे हैं कि जो बॉयज स्कूल है यहाँ इसके अंदर जो स्ट्रांग रूम बने हैं उनके लिए भी 2 दीवारें हैं यहाँ पे बनाई गई हैं, खिड़कियाँ हैं, ताकि पूरी तरह से सुरक्षा चाक चौबंद की जा सके। आपको बता दें कि हमीरपुर जिला के 5 विधानसभा क्षेत्रों के यहाँ पे 528 मतदान केंद्रों के ईवीएम और यहाँ पे वीवीपैट रखे हुए हैं और इनके लिए पूरी तरह से जो सुरक्षा है वो भी यहाँ पे की गई है। आपको बताएं कि यहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा पुलिस का पहरा यहाँ पे लगा हुआ है और 11 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला यहाँ ईवीएम में बंद है, जो कि यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज स्कूल है यहाँ पे होना तय है। आपको बताएं कि 23 मई को सुबह 8 बजे से लगातार मतगणना जो शुरू होगी, जो कि देर शाम तक चलेगी और यहाँ पे जो 11 प्रत्याशी है हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के उनके भाग्य का फैसला होना तय है। हमीरपुर से अपने सहयोगी अश्विनी के साथ जसवीर कुमार।